हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम देखेंगे सीजी बोर्ड की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, द शूमेकर एंड द इल्वेस, मोची और बौने। मोस्ट ऑफ यू विल हैव स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स हु हेल्प्ड हिम। आप सब ने एक कहानी सुना होगा जिसमें एक लकड़ी काटने वाला अपना कुल्हाड़ी घुमा देता है, उसका मदद कौन करता है, आप लोगों को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर, एक बार एक गरीब मोची था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, वह और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। ऑन द एज ऑफ वुड, जंगल के किनारे। देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाई शूज फ्रॉम द शूमेकर, बहुत सारे लोग नहीं थे जो मोची से जूते खरीदते। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बी केम लेस एंड लेस, प्रत्येक दिन जो लेदर था वो धीरे धीरे कम होते गए। लेदर जो चमड़े थे उसका भंडार कम होता गया। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर, उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे जिससे कि वो ज़्यादा चमड़े खरीदे सके। अब चमड़े से ही जूते बनाए जाते हैं। डे बाय डे द शूमेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पोरर, दिन ब दिन दोनों गरीब होते गए। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, अंत में केवल एक ही जोड़ी जूते के लिए चमड़े बचे हुए थे। द शूमेकर कट आउट लास्ट पेयर ऑफ शूज, तो मोची ने अंतिम जो जोड़े जूते बनाने थे उसको काट लिया। ही सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सी देम, कल मैं इसे सिल दूंगा। वाट आर प्रॉब्लम दैट शूमेकर फेस्ड, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो शूमेकर फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, आपको बताना है। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इन टू हिज शॉप, अगली सुबह शूमेकर उठा और अपनी दुकान की ओर गया। ही वॉज सरप्राइज एट वाट ही सा, वह देख कर चकित हो गया। देयर वॉज सा अ पेयर ऑफ शूज, वहाँ उन्होंने एक जोड़ी जूते बने हुए देखे। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, और ऐसे सुंदर तरीके से बने हुए जूते उसने कभी नहीं देखे थे। द शूज वर परफेक्ट, जूते बहुत ही अच्छे थे। द स्टिचेस वर फाइन, और जो टाँके लगे थे, टाँके लगा लगा कर जो जूते को बनाए गए थे वो भी परफेक्ट थे, बहुत ही अच्छे थे। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस, और इतने अच्छे बने थे कि एक ही बार में बिक गए। हु डू यू थिंक केप्ट द शूज इन द शॉप, आपको कौन लगता है कि जूते को कौन दुकान में रखा होगा। द शूमेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी, अब शूमेकर जो है पैसे के साथ बाजार गया। ही बॉट लेदर फॉर टू पेयर ऑफ शूज, और उन्होंने दो जोड़े जूते के लिए चमड़े खरीदे। द शूमेकर कट आउट द टू पेयर ऑफ शूज, मोची ने दो जोड़े जूते को काट लिया। एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सी देम, और अपनी पत्नी से कहा फिर से कि कल मैं इसे सिल दूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शूमेकर वेंट टू हिज शॉप, अगले दिन जब शूमेकर फिर से अपनी दुकान गया। ही वॉज अगेन सरप्राइज्ड, वह फिर से चकित था। टू सी टू पेयर ऑफ शूज ब्यूटीफुली फिनिश्ड, दो जोड़े जूते बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बने हुए थे। द शूज वर वेरी वेल मेड, और जूते इतने अच्छे बने थे विथ वेरी फाइन स्टिचेज, अच्छे टाँकों के साथ। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ, वो उसने अपने पत्नी को दिखाया। हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी सच फाइन पेयर ऑफ शूज, वो भी चकित हो गई इतने अच्छे जूते देख कर। सी सेड दिस शूज आर वेरी फाइन, ये जूते बहुत अच्छे हैं। एंड द स्टिचेस आर एक्सलेंट, और टाँके भी बहुत ही अच्छे हैं। दे विल ब्रिंग गुड मनी, इससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। द शूमेकर वेंट टू मार्केट वंस एंड सोल्ड द टू पेयर ऑफ शूज, अब मोची जो है जल्दी से दुकान गया, बाजार की ओर गया, और दोनों जूते उन्होंने बेच डाले फॉर गुड प्राइस, अच्छे दामों पर। विद द मनी ही बॉट लेदर ऑफ फोर पेयर ऑफ शूज, और जो पैसे उसको मिले उन्होंने चार जोड़े जूते के लिए चमड़े खरीदे। ही कट आउट द लेदर, और चमड़े को उन्होंने काट दिया। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सी देम, कल मैं इसे सिल दूंगा। द शूमेकर गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग, मोची जो है अगली सुबह फिर से उठा। एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपनी दुकान की ओर गया।
What did he find? उसने क्या देखा? Once again, he found that his work had already been done. उन्होंने देखा कि उसका जो कार्य है एक बार फिर से पहले से ही कर दिया गया था, पहले से ही जूते बना दिया गया थे. Four pair of beautiful shoes were lying ready-made on the table. चार जुड़े जूते पहले से बने बनाए टेबल पर थे. They were perfectly made. वे बहुत ही अच्छे बने थे. With very fine stitches, अच्छे टांकों के साथ. And were sold very quickly in market. और बाजार में जल्द ही बिक गए. Every day, the shoemaker would get up and go into his shop. प्रत्येक दिन मोची जो है उठता और दुकान की ओर जाता. There he would find his work already been done. और वहाँ वो देखता कि जो उसका कार्य है पहले से ही कर दिया गया होता था. The shoes were always very nicely made. और जूते हमेशा ही अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, बने होते थे. The shoemaker became very famous. अब मोची जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, सभी लोग जानने लग गए. Soon everybody wanted to buy shoes from him. और जल्द ही सभी उससे जूते खरीदना चाहते थे. His shoes were very well made that even a queen of country wore them. और उनके जूते इतने अच्छे थे कि वहाँ की जो रानी थी उस देश के, उस राज्य के, वो भी उसको पहनती थी. She was very pleased with the shoes. वह भी जूते के साथ बहुत सी खुश थी. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. उन्होंने मोची को बुलाया और 100 gold pieces दिए, सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के दिए. The shoemaker remained poor. Give your opinion. अब आप बताइए कि क्या जो shoemaker है वो गरीब रहा? आगे बढ़ते हैं. The shoemaker grew very rich. अब धीरे धीरे मोची जो है अमीर हो गया. One day he and his wife made up their mind to find out who made the shoes. एक दिन shoemaker और उसकी पत्नी ने यह सोचा कि हम पता लगाएंगे कि कौन जूते बनाते हैं. They said to each other, एक दूसरे को बोले, We must find out who makes the shoes. हमें ढूंढना ही होगा कि कौन जूते बनाते हैं. So when night came, और जब रात के टाइम आया, They went to his shop. वे अपने दुकान की ओर गए. There they hide themselves behind the curtain. Curtain means होता है पर्दा. वहाँ उन्होंने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिए. From there they could watch the bench. वहाँ से वे बेंच को देख सकते थे. On which the leather for shoes was kept. जहाँ पर जूते के लिए लेदर पड़े हुए थे. What do you think they saw? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा? What do you think they saw? They waited for a long time. वे बहुत टाइम तक प्रतीक्षा करते रहे. Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. They got very tired. और वे थक गए थे. Of waiting for something to happen. यह देखकर कि कुछ तो हो ऐसे करके. Just then the clock struck 12. और जैसे ही 12 बजा. Struck 12 means 12 बजा. What do you think what happened next? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? Two little elves jumped into the shop. दो नन्हे बौने दुकान में जम किए, खिड़की से जम करके आए. From the window. खिड़की से कूद कर दो नन्हे बौने आए. The elves wore pointed caps. और जो नन्हे बौने थे उन्होंने नुकीले कैप्स मीन्स टोपी पहने हुए थे. एंड ओर ओनली रैक्स. और उनके कपड़े जो है चिथड़े थे. रैक्स मीन्स चिथड़े कपड़े. दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल. वे उछलते कूदते टेबल की ओर गए. विद द होप एंड स्कीप. उछलते हुए जम्ड ऑन द टेबल. और टेबल में जम किए, वहाँ टेबल से कूदे. द एल्वेस सेट क्रॉस लेग्ड. और वे पैर को मोड़ कर बैठे. एंड टू कप द लेदर. और लेदर को उठा लिए. लेफ्ट देयर बाय शूमेकर. जो शूमेकर वहाँ रखा हुआ था. दे बिगेन टू वर्क. अब वे अपना कार्य शुरू कर दिए थे. देयर नीडल्स फ्लू इन द आउट. और उनके जो सुई है वो अब ऊपर नीचे होने लगा. अर्थात वे दोनों जूते बनाना शुरू कर दिए थे. इन एंड आउट, ऊपर नीचे. आप लेदर चमड़े में. देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप रैप अ टैप. और उनके छोटे से जो हथौड़ी था वो रैप टैप का आवाज़ भी निकालने लगा था. रैप अ टैप ऑन द लेदर. लेदर पर. द एल्वेस वर्कड वेरी फास्ट. बौने बहुत ही शीघ्र से काम करने लगे. ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वॉज कम्प्लीट. कुछ ही समय में. नो टाइम मीन्स कुछ ही समय में कार्य पूर्ण हो गया. देन द टू एल्वेस स्टार्टेड डांसिंग. उसके बाद दोनों नन्हे बौने डांस करने
शुरू कर दिए। दे जम्पड अप, वे कूदने लगे, एंड डाउन, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दोनों कूदने लगे। दे रेस्ट इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, और वे आसपास दौड़ करने लगे, रेस करने लगे, अराउंड द शूज मीन जूते के। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक, इससे पहले कि मोची और उसकी पत्नी को सोच पाते, दे वर गॉन, वे दोनों चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल इल्वेस। अगली सुबह मोची और उसकी पत्नी ने सोचा कि इन नन्हे बहनों के लिए कुछ करना होगा। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, शू मेकर ने मोची ने अपनी पत्नी से कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल इल्वेस, हम इन नन्हे बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, द इल्वेस डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, नन्हे बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वोर ओनली रैक्स, वे केवल चिथड़े कपड़े पहनते हैं। आई सेल मेक देम लिटिल कोट्स, मैं उनके लिए छोटा कोट्स बना दूंगा, छोटा सा कोट बना दूंगा, एंड ट्राउजर्स टू वियर, और ट्राउजर्स भी, पतलून भी पहनने के लिए मैं उनके लिए छोटे कोट और ट्राउजर बना दूंगा। दैट विल बी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा होगा। सेड द शूमेकर, शूमेकर ने कहा, आई विल मेक टिनी शूज फॉर गुड इल्वेस, और मैं छोटे जूते बना दूंगा अच्छे बहनों के लिए। देयर लिटिल फीट वर बेयर, उनके नन्हे पैर बेयर हैं, अर्थात बिना जूतों के हैं, नंगे हैं। सो द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्कड, उसके बाद मोची और उसके पत्नी कार्य करते रहे। वेन द क्लॉथ्स एंड द शूज वर रेडी, और जब कपड़े और जूते दोनों तैयार हो गए, दे वर पुट ऑन द टेबल, तो उन्होंने उसको टेबल पर रख दिए। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेन, शू मेकर और उसकी पत्नी फिर से पर्दे के पीछे छुप गए। दे वेटेड साइलेंटली, और शांति से प्रतीक्षा करने लगे। वंस अगेन वेन द क्लॉक स्ट्रक 12, और एक बार फिर से जब 12 बजा, द इल्वेस जम्पड इन टू द शॉप फ्रॉम द विंडो, तो इल्वेस ने खिड़की से जम्प करके फिर से घर के अंदर आए। दे डांस्ड एंड जम्पड ऑन द टेबल, और वे डांस करने लगे और जम्प करने लगे, कूदने लगे ऑन द टेबल, टेबल पे, डू देयर वर्क, अपने कार्य को करते हुए। देयर दे सॉ अ लिटिल कोट, वहाँ उन्होंने छोटे कोट्स देखे, ट्राउजर्स देखे, एंड नीट लिटिल शूज, और स्वच्छ बने हुए जूते देखे। लेफ्ट फॉर देम बाय शूमेकर एंड हिज वाइफ, जो शूमेकर और उसकी पत्नी द्वारा वहाँ छोड़ा गया था। द इल्वेस वर वेरी हैप्पी, इल्वेस अब बहुत ही खुश थे। दे क्लैप्ड एंड लव्ड विद जॉय, वे ताली बजाने लगे और हंसने लगे खुशी से। व्हाट डू यू थिंक द इल्वेस डिड नेस्ट, आपको क्या लगता है कि इल्वेस ने नेस्ट क्या किया। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स, वे छोटे क्लॉथ्स को ले लिए, कपड़ों को ले लिए, एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग, और कूदते हुए और डांस करते हुए वेंट आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर निकल गए। द लिटिल इल्वेस नेवर कम बैक अगैन, और वे छोटे नन्हे बहुने कभी वापस नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड अ गुड लक, लेकिन मोची और उसकी पत्नी के पास हमेशा ही अच्छा भाग्य था। दे ग्रीव रिचर एंड रिचर, वे अमीर से और अमीर होते गए। एंड लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर, और उसके बाद खुशी से वो लोग रहे। तो इस तरह से यह जो चैप्टर है शू मेकर एंड द इल्वेस ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसमें का रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है उसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।